आप देख सकते हैं कि मोराबादी मैदान बापू वाटिका से इन लोगों ने मार्च कर राजभवन पहुंचेंगे और वहां महामहिम को ज्ञापन सौंपेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के द्वारा किया जा रहा है और इस मार्च में तमाम विधायक मंत्री और कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी का। आप देख सकते हैं कि हाथों में तख्तियां लिए हुए और इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के द्वारा की जा रही है। ये ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश कुमार बैठा आगे कतार में। आप देख सकते हैं इधर महिला मोर्चा की ओर से भी तमाम विधायक दीपिका पांडे सिंह और भी गुंजन सिंह प्रदेश अध्यक्ष, महिलाएं भी पूरी पैदल मार्च करते हुए राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक, वो भी मार्च में शामिल हैं। प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष गुंजन सिंह, गुंजन जी विरोध किस चीज को लेकर के है? जी, केंद्र सरकार और मोदी जी के द्वारा लगातार भारत की जनता से जो छलावा खेल खेला जा रहा है, आज हम लोग काला कानून और कृषि कानून को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। कृषि कानून को वापस लेने के लिए ये मार्च किया जा रहा है। देखिए साथ में हम ये दीपिका पांडे जी भी हैं और इनसे ही पूछते हैं इस कानून का विरोध क्यों? इस कानून का विरोध इसलिए कि लोकतंत्र की हत्या करके देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा से राज्यसभा से इस बिल को पारित कराया और आज ये बहुत दुख की बात है कि इस पर राष्ट्रपति ने सारे विपक्ष के नेताओं के साथ के निवेदन के बावजूद इस पर जो है हस्ताक्षर कर दिए। यह कानून किसानों के अहित के लिए है, पूंजीपतियों के हाथ इस देश को बेचा जा रहा है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं और सरकार की ये जो देश को बेचने की मंशा है वो हम पूरा होने नहीं देंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने जो है आज इस पर मुहर भी लगा दी है और ये बिल कानून बन गया है, पूर्णिमा जी अब तो ये कानून बन गया, अब क्या होगा? फिलहाल कानून नहीं बनाया, जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे तब कानून बन जाएगा, बिल पारित हो गया है। लेकिन ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके इस बिल को लाया गया है। जब राज्यसभा में लोगों ने इसका विरोध किया, जब सांसदों ने इसका विरोध किया तो उसको ध्वनिमत से पास कर दिया गया और उसके बारे में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। मोदी जी ने पिछली बार बोल के न्यूनतम समर्थन मूल्य हम बढ़ा रहे हैं बेवकूफ़ बनाया और इस बार उसको खत्म ही कर दिया। जीडीपी गड्ढे में है, कुएं में चली गई है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है उनको, उनको बस पूंजीपतियों को जेबें कैसे भरनी है उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो हमारा जो है कि किसानों को क्या मिल रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये पूर्णिमा जी थी जिन्होंने साफ कहा कि इस कानून का विरोध वो करते रहेंगे क्योंकि जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है। देख सकते हैं कि बंधु तिर्की भी इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी बंधु जी, ये कानून का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? ये जो मोदी सरकार के द्वारा जो विगत दिनों जो कृषि बिल लाया गया और केंद्र से पारित किया गया और आज आपको जानकारी मिली होगी कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी उसको स्वीकृति दे दी गई है, एक बिल बिल्कुल किसानों के लिए बहुत खतरनाक बिल होगा। इस बिल के माध्यम से पूरे आपके छोटे किसान, मझले किसान, पूरे उनका एक तरफ से कहा जाए कि पूरा उनका सत्यानाश हो जाएगा और इसमें कल बड़े लोगों को, पूंजीपति लोगों को लाभ होगा। यह कानून एक काला कानून की तरह है, इसलिए हर हालत में इसका विरोध करना होगा। बादल जी, ये कानून तो आज तो हो गया, राष्ट्रपति जी ने जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं, स्वीकृति दे दिए हैं, अब क्या होगा आगे? आगे हम देख रहे हैं, कानून के विद्वानों से राय ले रहे हैं, लेकिन जनता को जगाना जरूरी है। कैसे उनके हितों का हत्या किया जा रहा है, ये डेथ वारंट है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ हम विपक्षी हैं इसलिए नहीं, उनके जो सहयोगी दल हैं शिरोमणि अकाली दल, उसके जो मंत्री थे कौर,
सिमरत कौर ने इस्तीफा तक दे दिया। बातों को समझने का कोशिश कीजिए कि कितने गंभीर ये मामला है। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा क्या कि बादल पत्रलेख कृषि मंत्री हैं, इन्होंने कहा क्या कि ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है, ये पूरे जन सरोकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इस वक्त सुबोध कांत साहब वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ये भी मार्च में शामिल हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका इस बिल के बारे में। ऐसी हालत में मोदी का किसान विरोधी कोई नया नहीं है कानून है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसके जितने भी देश में आर्थिक क्षेत्र है वो घोषित 23-24% माइनस में चल रहा है घोषित, लेकिन ये करीबन 30% माइनस जीडीपी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ख़त्म है, हमारा जो है वो मजदूरों से जुड़ा हुआ जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो ख़त्म है, हमारा उद्योग जो है बंद है, कितनों प्रयास हो रहा है नहीं रहा। ऐसी हालत में हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के चार पूंजीपति जो मोदी जी के मित्र हैं वो कैसे दुनिया के सबसे बड़ा धनवान बन जा रहे हैं। तो इसका साफ है कि मोदी के राज में जो स्कैम हुआ है वो कानून बना के स्कैम हुआ है। आज आप जानते हैं कि एक घराना जो है वो तमाम देश के रियल ये जो ये क्या बोलते हैं उसको रिटेल मार्केट उसको खरीद ले रहा है। देखा, एक ही घराना के पास सारा रिटेल मार्केट आया। तो रिटेल मार्केट का 80% बिजनेस जो है वो एग्री प्रोड्यूस का बिजनेस होता है, समझे ना। लोग जाता है रिटेल शॉप में तो देखते हैं कि ट्रॉली भर भर के ले लेता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फाइनल कानून है कि किसानों के उपज पर पूंजीपतियों का कैसे अधिपत्य हो जाए, एक लाइन ही है। और वो घराना आज दुनिया का सबसे बड़ा जो रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट उसको भी बीट करने के लिए लगाया हुआ है। हिंदुस्तान का जितना छोटा बड़ा रिटेल मार्केट था सब ने उसको खरीद लिया। तो ये है मोदी जी का इकोनॉमी जिसमें गरीब का आखिरी खून चूसने का बचा था। तो किसान इसलिए इस लड़े बिना किसानों का, क्योंकि इस क्राइसिस में अगर किसी ने हम लोगों की जान बचाया तो अन्नदाताओं ने बचाया, किसानों ने बचाया, अन्नदाताओं ने इस देश को बचाया है। लेकिन अन्नदाताओं की भी हाथ काटने की कोशिश की जा रही है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय का कहना है।